अस्सलाम वालेकुम, जायका रहमत किचन में आज सिंगापुरियन राइस बनने जा रहे हैं और ये बहुत आसान और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ज़रूर आप नोट करें इसे और स्टार्ट करें रेसिपी। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने और उसमें मैंने ज़ीरा, कड़ी पत्ता क्रश करके और थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा ही लहसुन चॉप मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा जैसे सॉटे करके उसके बाद सुरख जो कटी हुई है वो भी हरी मिर्च रेड हुई हुई है कटी कट की है मैंने, और हरी मिर्ची दोनों दो दो मैंने कट की हुई है जो मैंने डाल दिया है। एक चम्मच जो है तो इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूंगी और 2 चम्मच चिल्ली सॉस डालूंगी, और इसी तरह इसमें थोड़ा सा मैं सिरका भी फिर ऐड करूंगी। और ये काली मिर्च पाउडर है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक हसबे जायका है, और चावल मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको दम पे लगा दूँगी। जब दम पे इसको रखूँगी उससे थोड़ा सा पहले धनिया में हल्का सा इसमें क्रश किया हुआ डाल दूँगी, और बस इसको चम्मच हल्के हाथ से चला के दम पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब ये कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में ज़ीरा डाला है, ये 2 से 3 टमाटर कट करके, और इसको मैंने पेस्ट बना लेना है क्योंकि लहसुन का पेस्ट मैं पहले ही बना चुकी हूँ। टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और 1 चम्मच मैंने हसबे जायका नमक डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने सुरख कुटी मिर्चें डाली हैं। 2 से 3 चम्मच आप केचप भी डाल दें इसमें, और 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, 2 ही चम्मच मैंने इसमें चिल्ली सॉस डाला है, और चिकन के अंदर भी डालेंगे, चावलों में भी डालेंगे, हर चीज़ में, यानी सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सिरका वगैरह डलेगा। अभी सिरका मैंने 1 डिश स्पून भर के डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें चीनी डाली है मैंने क्योंकि थोड़ा सा जैसे स्वीट एंड सॉर की तरह का जायका हो तो अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने उबाल के रखी हुई थी पास्ता, सॉरी स्पैगेटीज, वो मैंने इसमें डाल दिए। और अब जो है तो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसमें मैंने 1 डिश स्पून भर के मायोनीज डाली है, 1 डिश स्पून मैंने इसमें केचप डाला है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें डाली हैं, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, और वही चिल्ली सॉस, सोया सॉस, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता क्रश करके डाला है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके तो आप रख दें 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर इसकी भी तैयारी, साथ अगला स्टेप हम इसका करते हैं। अब हम क्या, एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे, और उसके बाद वो मैरिनेट की हुई चिकन, मैंने तो ज़्यादा मैरिनेट की थी लेकिन इधर मुझे जितनी चाहिए उतनी चिकन मैंने निकाली है, और ऑयल में डायरेक्ट डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है, और उसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये पक जाए और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चिली कुटी लाल मिर्च डाली है, फिर चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका जैसे मैंने उसमें डाला था 2-2 चाय के चम्मच, वही मैंने इसमें भी डाले। और इसको 2 चिकन क्यूब मैं इसके अंदर क्रश करके डाल रही हूँ, और इसके बाद जो है तो इसको थोड़ा सा हम पकने रखेंगे, थोड़ा इतना कि सॉफ्ट भी हो जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। नमक हसबे जायका जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप नमक रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखें, टमाटर ज़्यादा बारीक काट के मैंने नहीं डाले, थोड़े चॉप्ड करके मोटे मोटे ही कट करके डाले हैं, प्याज भी और शिमला मिर्च भी। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कि आपको कितने चाहिए, मैंने तो 1-1 कप इसको कट करके मैंने इसमें डाला है। और बस इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, इसमें 1 डिश स्पून मैंने केचप डाला है, और ये कॉर्नफ्लावर है जो मैंने बना के रखा है ये इसमें डालेंगे, और बस ये तैयार है। इसको भी साइड पर रखते हैं और अब जो है तो इनको अरेंज करते हैं। ये काली मिर्च थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है, और ये देखें हमारा चिकन मंचूरियन भी तैयार हो गया। अब इसको चावल सबसे पहले प्लेटर में आप निकालें, उसके बाद ये सॉस जो चिकन का बनाया हुआ है वो डालें, और उस चिकन मंचूरियन, और उसके बाद ये स्पैगेटीज डालें, और बस ये आपका सिंगापुरियन राइस तैयार है। इजाज़त दें, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।